सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मतलब गुड न्यूज़ गाइस एक तरीके से क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने अभी क्लास 10th पास आउट करके क्लास 11th में आए हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गाइज गुड न्यूज़ आपके बेसिक मैथ से रिलेटेड है। क्या है गुड न्यूज़ वो तो गाइज आज की वीडियो में बताऊंगा। बट गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अनअकैडमी ऐप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँगा। गाइज एक्चुअली कल अनअकैडमी ऐप के अंदर अंशुल शर्मा सर लाइव आएंगे 3:00 PM। उसके अंदर गाइज आपको लाइव सेशन के अंदर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट बताएंगे ओलंपियाड पे, NTSC के एग्जाम पे, NSO के एग्जाम पे, मतलब जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम हो गए और कई सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताएगी। तो गाइज कल लाइव सेशन जरूर अटेंड करना अनअकैडमी ऐप के अंदर अंशु शर्मा सर का। तो गाइज अब आप सभी को बताता हूँ कि क्या गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। देखो गाइज जो बेसिक मैथ के स्टूडेंट थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनका कहना था कि सर अब हमें क्लास 11th के अंदर मैथ सब्जेक्ट लेना है, तो सर अब हम क्या करें। तो गाइज सीबीएसई ने आप सभी को पहले ही बोला था कि जिन स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड मैथ लिया है वही क्लास 11th के अंदर मैथ ले सकते हैं। अब बेसिक वालों को ये प्रॉब्लम हो रही थी तो सीबीएसई ने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। सीबीएसई कहना है कि जो बेसिक स्टूडेंट है जिन्होंने बेसिक मैथ ले रखी है, अगर उनको क्लास 11th के अंदर मैथ सब्जेक्ट लेना है तो उनको जो उनके स्कूल है उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो मैथ के अंदर अच्छे हैं। मतलब उनको मैथ का एक बार वापस एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब सीबीएसई कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, जो आपके स्कूल के टीचर्स है वही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आपका टेस्ट लेंगे। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो और स्कूल को लगता है कि आप क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट ले सकते हो तो आपको क्लास 11th के अंदर मैथ सब्जेक्ट मिल जाएगा। गाइज ये सर्कुलर सीबीएसई ने कल ही जारी किया था। अभी मैंने सीबीएसई वेबसाइट पे देखा तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट है आपसे शेयर कर दूं, इसलिए मैंने गाइज आपसे शेयर किया है। तो गाइज जिन स्टूडेंट को बेसिक मैथ लेकर अब क्लास 11th के अंदर मैथ लेना है वो काफ़ी खुश हो गए। और गाइज अगर आपके फ्रेंड है जिनको मैथ लेना था और उनका पहले बेसिक मैथ था तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज इस वीडियो में इतने। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे है, उस पर कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी गाइज ये डिसीजन सीबीएसई काफ़ी सही है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लेकिन अब स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और सारे फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनिए घर पर रहो।